श्री वाहे गुरु जी। एको अंकार सतगुर प्रसाद सोरठ मोहल्ला पंजवा कर इशनान सिमर प्रभु अपना मन तन भए आरोगा कोट विघ्न लाथे प्रभु सरना परगटे भले संजोगा परगटे भले सजोगा प्रभु वाणी शब्द सुपाखिया गावो सुनो पढ़ो नित पाई गुर पूरा तुम राखिया रहा साचा सहु अमत वड़ाई भगत वजल दियाला संता की पैज रखता आया आद विर्द विर्द पाला हर अमृत नाम भोजन नित पहुंचो सर्व वेला मुख पावो जरा मरा ताव सब नाठा गुण गोविंद नित गावो सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बणियाई परगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड़ियाई सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बणियाई परगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की बड़ियाई सतनाम श्री वाहे गुरु जी। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तमी सज्जन सहेले राखो राखनहार दयाला नानक करके गोले आओ गुरसिख वीर बजुर्ग माई भाई अति वड्डे भागां वाले हन घोर कलयुग दे विच अपने कर्म बनाउण वास्ते सतगुरु पातशाह जी ने कृपा कीती है। हर सच्चे तख्त रचाया सत संगत मेला जेड़े सच्चे पातशाह ने कृपा कीती है आ रचना कीती है खुद आप निरंकार नहीं कीती इउं नहीं है भी तू कर नहीं खुद आप रचना कीती हर हरी सच्चे तख्त रचाया हरी आप ही तख्त दे बेटा आप ही रचना कीती है आप ही सारी सृष्टि की रचना की आप ही ब्रह्मा विष्णु शिव जी नु भेजा है काम सारा आप दा ही है निरंकार दा जीव दा भी जमना मरना बंदे दी रोजी भी निरंकार ने अपनी मुट्ठी च रखी होर किसी दे मुट्ठी च नहीं रखी इस करके जो करता है वो आप परमेश्वर करता है उसे ते ही सत 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 हर सत साधा
बचन गुरु जो पूरा कहो मैं शीट गाठड़ी बाधा आपा बचना नु मनना है जो गुरबाणी भी है सतगुरां दी तन काल सत है इस करके गुरु साहब ने मोहर लाई है भाई गुरदास जी भी फरमान करते हैं कि कहते भाई गुरदास जी भाई गुरदास जी कहते हरि सच्चे तख्त तरचाया सतसंग तमेला नानक निरभउ निरंकार विच सिद्धां खेला यह मोहर लाई इस करके आओ माई भाई गुरसिख वड्डे भागां वाले हैं सिख क्या बेचारा इस करके जीव गुर सांग वरतदा ये गुर सांग वरतदा सिख क्या विचारा भाई गुरदास जी ने गुरु महाराज के समय अंदर पंचम पातशाह दे अपनी बार विच लिखता ये है भी कि सिख सिदक ना हारे कदों जो गुरु सांग वरतदा सिख सिदक ना हारे जो गुरु परचा पाउंदा है सिख सिदक ना हारे ओनू सिदक हारना भी नहीं चाहिए पर एक गल इत्थे पै गई वी जो कहिंदा वी जे गुरु सांग वरतदा मैं कदे भी हारदा नहीं नहीं जे गुर सांग वरतदा सिख क्या विचारा सिख दी बांह फड़ के परचा भी पावे ते उहदे सिर ते हथ रखे उहनूं पास भी आप ही तां पास हो सकदे इस करके आओ सरवण करिए अरदास करिए सच्चे पातशाह जी कृपा कर अरदास करिया करो अपनी माया नूं मुड़ ला हे वाहिगुरु सानू अपने सोहणे चरणां नाल जोड़ तेरी माया बड़ी परबल है आप कृपा करो सच्चे पातशाह एक मेरा भगवान विष्णु ते लक्ष्मी आपो विच ही बैस पे विष्णु भगवान कहिंदे मेरे भगत बहुत वड्डे आ लक्ष्मी कहिंदी मैं किहड़ा घट आ मैं उदो वड्डी आ भगवान कहते नहीं भगवान कहते लक्ष्मी हो वेख किन्ना कट है ते किन्ना मेरा हर्जा सो रहा मात लोक विच फलाने था फलाने होवे संत बैठे महापुरख लक्ष्मी कहन लगी जी मैनू भी उत्थे कि जी भेजो पर भगवान ने भेजता लक्ष्मी ने गुरमुखो माया का ऐसा खेल है चार दिन की सोभा है मछ भी जेड़ी माया इसी का रूप वाला तार वो रूप ही सारा ही है बंदे का रूप भी तार रही है एक मिनट एक सेकेंड दो चार मिनट जिम्मे बिजली लश्क रही है इं गुरु का रूप भी तार ली है माया इन्ना इन्ना अधिकार है जे घर वाला ना घरे होवे ते घर वाली कोई चीज देनी है जां लैनी है वो भी वह ड्यूटी करती है एवें थोड़ा चिर बाद भी वह तो घरे है नहीं तुसी बह जाओ चाह पानी छको उहनूं ऐ हो वह भी साजो घरे ही है अद्धा उहदा लक्ष्मी कहिंदी ते लक्ष्मी उसे पिंड चली गई जिथे महापुरख सी दवान साहिब दे सारा ते गुरमुख उत्ते जे लक्ष्मी गई
ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਂਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਰਹੋ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਚ ਖਾਣ, ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਨਿਰੋੜਾ ਪਾਸਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਵਤਾਰ ਜਮੀ ਨੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਬੋਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਈ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਸਤ ਮਾਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮੁਕਤੀ ਮੁਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮੁਕਤੀ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਕੋਈ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਘਰੇ ਘਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਆ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਸੰਗ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨੀ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਇਕੱਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਵਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਵਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਅੜਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਾਵੜਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ ਪਾਸ ਪਿੰਡ ਚ ਵੜ ਗਏ, ਜਿਉਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚ ਭਾਂਡੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਣ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਮਾਰ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਖਸ਼ ਲੋ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ, ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸਤਸੰਗ ਫੇਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵੇਹਲਾ, ਆਖਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੁਭਾਓ। ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਾਤ ਦੀ, ਗੋਤ ਦੀ, ਅੰਗ ਦੀ, ਸਾਕ ਦੀ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ, ਨਕਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਗੱਲ ਭਗਤੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਪਣ ਕਰੀਏ, ਕਰ ਕੇ ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿੱਠੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇੱਛਾ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਕਰ। ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਰ ਅਰਾਧੇ, ਬਿਗੜੇ ਦਾਓ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਸੁੱਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਆਰੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਰੋਗੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਗ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਨ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਰੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਟ ਵਿਗਨ ਲਾਧੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸਾਯੋਗਾ। ਕਰੋੜਾ ਹੀ ਵਿਘਨ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਭਲੇ ਸੰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਗੀਆ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗੁਰਪੂਰੈ
सतगुरु जी वचन करते ने प्रभ बाणी जेडी बाणी गुरु महाराज जी दी रसना तो उच्चारण होई है शब्द सपाखिया एहो ही श्रेष्ठ है उत्तम है। कई मौके अपने मन च चंचलता होंदी है मैं बाणी पढ़ा जा मैं नाम जपा पर जपन लई मूल मंत्र है। गुरु जी ने बचन करिया वाहिगुरु शब्द दिता ए रब दी पाख्या है पाख्या पाओ अपार। जदों भी कोई भी शब्द दा अभ्यास करता है उदों उसका फिर बचन पूरा होने लग पैंदा है। सो इस करके सतगुरु जी वचन करदे ने कि बाणी नूं प्रभु दी बाणी नूं गावो सुरती जोड़ के सुनो ध्यान लगा के पढ़ो गावो सुनो पढ़ो नित पाई। इत्थे सतगुरु ने नित दा वचन करिया हर रोज ता फिर सतगुरु तेनूं 84 दे गेड़ तों रख लेंगे। बाजा सब अमृत वड़ाई भक्त वजन दिया अल्लाह। ओ साहिब ओ निरंकार सच्चा है उसकी वड्याई भी अमित है बेअंत है। भगती करन वालिया नाल निरंकार प्रेम करता है प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत बचन सदा कृपा। ओ दयालु भी है ते कृपालु भी है कृपा करन वाला है। संता की पैज रखदा आया आद विरत पिरत पाला। बचन करदे ने कि जेड़े हरेक साह नाल संत संतां की पैज रखदा आया नाम जपदे ने गुरु नानक नूं ध्याउंदे ने निरंकार उन्हां दी पैज रखदे आया हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राज। इह निरंकार दा सुभाव है कि उह जीव दी होंद तों जन्म तों ही उसनूं पाल रिहा है। हर अमृत नाम भोजन नित पांचो सर्व वेला मुख पावो। सतगुरु जी फरमान करदे ने कि हर अमृत नाम भोजन नित पांचो हरि परमेश्वर दा नाम अमृत रूप है। वाहो वाहो अमृत नाम है गुरमुख पावे कोई। गुरु जी ने इस नूं भोजन आख्या सच्चा अमृत नाम भोजन आया गुरमति खादा तिन रज सुख पाया। बचन करदे ने कि आत्मा दी खुराक है और तेरा परमात्मा नाल मेल है इस नाल तेनूं सुख मिलेगा। इस करके नाम रूपी अमृत भोजन नूं हर वेले मुख च पाउण दा गुरु महाराज वचन कर रहे ने। जरा मरा काब सब नाठा गुण गोविंद नित गावो। जीवा बंदा जरा जरा पैर पैर ते डरदा है मन मौको उसनु कोई भी आसरा नहीं हुंदा उसनु यही डर हुंदा है कि मैं मरिया मैं अज मरिया मरिया कल नु मरिया। ये भी एक ताप है चिंता है। बचन करदे ने कि जदों तू नित ही गोविंद दे गुरु नानक दे गुण गावेगा ता फिर तेरा ये भी ताप लह जावेगा। सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बणिया। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਦੁਖੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦੁਖੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਯੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵੜਿਆਈ। बचन करदे ने प्रगट पई सगले जुग अंतर
गुरु नानक पातशाह जी की वडियाई सारे जुगां विच हो रही है। नानक पातशाह ही पातशाह, अज भी गुरु नानक की पातशाही चल रही है। सतपुरख भजन करते ने, वडियाई हो रही है गुरु नानक की वडियाई। पिछे भी सी हुण भी है अगे नूं भी होवेगी। सारी दुनिया दे विच गुरु नानक दे गुरमंत्र दा छिक्का चल रहा है। अरदास स्वामी मेरी है प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धरके खालसा जी साध संगत बोलना गी। श्री वाहिगुरु जी। हे अकाल पुरख अंतरजामी श्री गुरु नानक देव निरंकार सूप सच्चे पातशाह जी, आप जी दे हजूर अमृत वेले तो लैके श्री जपजी साहिब जी दे पाठ, श्री सुखमणि साहिब जी दे पाठ, श्री आसा जदीवार दे श्लोक शब्द शब्द कीर्तन जी की अरदास, अखर लखना तुक भुल चुक माफ करना, आप जी दे सुने चरण कमला पास, सिख संगत गुरबाणी पढ़ते सुनते सरबत लाहेवंद होण, श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। Bye.